हैं अपने पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो की ओर। अ वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय वाई इज इक्वल टू 2.00 सेंटीमीटर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, वेयर k इज इक्वल टू 2.11 रेडियन पर मीटर्स, ओमेगा इज इक्वल टू 3.62 रेडियन पर सेकेंड, x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड्स। आपको फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ वेव। तो बच्चों सबसे पहले एम्पलीट्यूड की बात करें। बच्चों इस तरह के जब सवाल आए आपके सामने, आप सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दें और उस स्टैंडर्ड इक्वेशन से अपनी गिवन इक्वेशन को कंपेयर करें। वी कंपेयर द गिवन वेव फंक्शन विद जनरल साइनोसोइडल वेव इक्वेशन विच इज वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइ। इस इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें तो साफ तौर पर पता चलता है एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू 2.00 सेंटीमीटर्स। बात करते हैं वेवलेंथ की। हमें वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट के दे रखा है एंड के इज इक्वल टू 2π बाय लैम्डा। तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू 2π अपॉन के की वैल्यू 2.11, सो वेवलेंथ वी गेट 2.98 मीटर्स। बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी के बीच में यह रिलेशनशिप होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू, सो न्यू इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π। दिस गिव्स अस 3.62 अपॉन 2π, सो फाइनली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है 0.576 हर्ट्ज। स्पीड ऑफ वेव की बात करें अगर हम, तो स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। दोनों ही वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं। सॉल्व करने पर वैल्यू आती है 1.72 मीटर पर सेकेंड।